आई थिंक गाड़ी का टायर फट गया। कैसे? मैं देखती हूँ बाहर निकल। नहीं 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 नहीं, मुझे ना इंट्यूशन आ रही कि कुछ गड़बड़ है। तुम कहाँ जा रहे? मेरी बात करो। किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। So it will be better for you कि तू मेरे रास्ते में ना। वैसे भी गणपति बापा मोरया, और देख सकते हैं हमारे बगल में भाई गणपति बापा बैठे हैं, और हमने संस्कृति प्रोडक्शन ने 10 दिन के गणपति जी रखे हुए हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं परिणीति एपिसोड के बारे में। परिणीति के आने वाले एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर परी का सच तो सबके सामने आ गया, लेकिन अब दिलजीत के कब्जे में आ गई है परी। अब परी भाई पहुंच जाती है अपनी बहन बबली को बचाने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर दिलजीत ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, और वो बंदूक वगैरह निकाल के बैठा होता है कि भाई वो परी आएगी और उसमें मैं मारूंगा। डेंजरस रास्ता है, तू ठहरा आदर्श इंसान। एनीवेज मैं परी को लेके जा रहा हूँ। क्या है ना कि परी बबली की बड़ी बहन है, अब शादी के लिए आशीर्वाद तो इम्पोर्टेंट है। just kidding. दरअसल क्या है ना, मुझे परी की आंखों में दर्द देखा। पर यहाँ पर ऐसे ही होता है, लेकिन भाई उससे पहले यहाँ पर परी का भी एक रौद्र रूप देखने को मिलता है। यहाँ जैसे ही वो उसको पकड़ता है, वैसे यहाँ पर परी डंडा लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है जोरों से। और यहाँ पहले तो दिलजीत बहुत चिल्लाता है, बाकी के लोगों को भी बुलाता है कि भाई मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाता क्योंकि परी ने बहुत तेज मार रही होती है उसको डंडे से। अब अचानक से दिलजीत के हाथ में लग जाती है बंदूक। अब वो बंदूक उठा के परी के ऊपर रख देता है, और परी की तमन्ना थी परी को तड़पते देखने की। एक सके ना संजू, तो ये रस्सी वस्ती खोल लियो। दरअसल क्या है ना कि यहाँ पे बहुत से जंगली जानवर हैं, कहीं तेरी किस्मत खराब हुई, कोई आ गया तो कुछ भी हो सकता है। और उस पर गुस्सा कर रही है कि बबली बताओ कहाँ पर है, तुमने कहाँ छुपा के रखा है मेरी बहन को, और मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर दिलजीत भी उसको बहुत कुछ सुना रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैंने बंदूक रखी हुई है तुम्हारे पर, मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। और इतने में ये सारी चीजें हो रही होती, राजीव आ जाता है। अब भाई हमने देखा है ना राजीव किस तरीके से नीति से लड़ झगड़ के तो आ गया है यहाँ पर, और परी को बचाने आया है अपनी। और जैसे ही वो आता है वैसे ही वो पकड़ता है गन को और अपने हाथ में रख लेता है। लेकिन इतने में ना बबली भी आ जाती है, क्योंकि वो जो गुंडा उसको बीच में मिला था ना बबली को, वो उसको जान पूछ के यहाँ पर लेकर आ जाता। बबली को लग रहा था कि भाई मैं बच जाऊंगी, यहाँ पर कोई अच्छा आदमी है, लेकिन उसे ये थोड़ा पता था कि तो दिलजीत का ही आदमी है। अब वो लेकर तो यहाँ पर आ जाता है, और हम देख रहे हैं कि सारे लोग यहीं पर एक साथ है उस वेयर हाउस में, और बबली और परी एक साथ है यहाँ पर। और यहाँ पर दिलजीत बबली का हाथ खींचता है और उसे गुस्से में अपनी तरफ कर लेता है, और कहता है बबली अब तो मैं तेरे से ही शादी करूंगा। और यहाँ पर परी को और गुस्सा आ रहा है, और दिलजीत तो बताइए ना किस तरीके का बदतमीज इंसान है। दिलजीत बोल भी देता है कि परी तुम ज्यादा कुछ मत करो, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। मैं भाई ये भी कर सकता हूँ कि बबली की जगह ना तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हारे साथ ही सुहागरत बना लूंगा। और जिसे देखकर भाई यहाँ पर राजीव के होश उड़ जाते हैं। राजीव को इतना गुस्सा आता है कि दिलजीत को पकड़ता है और उसके गर्दन पे बंदूक रख देता है, और पहले तो उसकी खूब पिटाई करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ये सारी चीजें बोलने की, और मैं अब भूल गया हूँ कि तुम मेरे बड़े भाई हो। वहीं हम देख रहे हैं कि राजीव जो है ना वो परी और बबली को बोलेगा भागने के लिए, और यहाँ पर परी नहीं भागेगी। परी कहेगी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर राजीव उसको अपनी कसम वगैरह दे देता है और बोलता है कि मेरा विश्वास करो कि मैं वापस आ जाऊंगा, तुम लेकिन अभी बबली को लेके भागो। तो भाई देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर राजीव बचा पाएगा अपनी परी को और बबली को, या फिर यहाँ पर कुछ अलग ही ट्विस्ट आएगा।